देखो, हर साल आने वाला क्वेश्चन है ना। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं अपन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। डाई बोरेन, B2S6, दो याने होता है डाई, दो को पढ़ते हैं क्या, डाई और ये बोरेन, है ना। क्या बोलेंगे इसको अपन, डाई बोरेन, क्या बोलेंगे, डाई बोरेन, डाई बोरेन, B2S6। डाई बोरेन का सूत्र क्या होता है, B2X6। तो डाई बोरेन पेपर में क्वेश्चन आता है, डाई बोरेन बनाने की विधियां लिखी है। लियो क्वेश्चन जल्दी, डाई बोरेन बनाने की विधियां लिखी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखो। डाई बोरेन बनाने की विधियां लिखी है, डाई बोरेन बनाने की विधियां लिखी है, डाई बोरेन के गुण लिखी है, डाई बोरेन के गुण लिखिए, है ना। पेपर में क्वेश्चन अलग अलग भी आ सकता है, सिर्फ इतना पूछ लेगा डाई बोरेन गुण लिखिए। अगले देखो, डाई बोरेन का उपयोग लिखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसे सच में इंपोर्टेंट है ना। डाई बोरेन का उपयोग लिखिए, और अगला है डाई बोरेन की संरचना लिखिए। संरचना के लिए मैं आपको अलग से क्वेश्चन लिखवाऊंगा और अलग से वीडियो बनवाऊंगा ना। अभी हम इस वीडियो में उपयोग तक देखेंगे, है ना। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर डाई बोरेन को बनाने की विधियां। हेडिंग क्या रहेगी आपकी, डाई बोरेन बनाने की विधियां। देखो, फर्स्ट सबसे पहले कैसे बनेगा, प्रयोगशाला में इसे, प्रयोगशाला मतलब लाइब्रेरी है ना, प्रयोगशाला में इसे आयोडीन की सोडियम बोरोहाइड्राइड से, ये हो गया आपका आयोडीन। आयोडीन का मतलब होता है आई, आयोडीन का मतलब क्या होता है, आई, आयोडीन का मतलब क्या होता है, आई, आयोडीन की सोडियम बोरोहाइड्राइड, देखो ना, आयोडीन की किससे करवा रहे अपन क्रिया, सोडियम बोरोहाइड्राइड। एने का मतलब क्या हो गया आपका, सोडियम, एने का मतलब क्या हो गया, सोडियम, बी का मतलब क्या हो गया, बोरो, बी का मतलब क्या हो गया, बोरो, और एच फोर का मतलब हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। जब आप लाइब्रेरी में, जब आप प्रयोगशाला में आयोडीन की क्रिया सोडियम बोरोहाइड्राइड से करवाओगे, किससे करवाओगे, एन ए मतलब सोडियम, बी आने बोरो, एच फोर आने हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड से करवाते हो, है ना। उच्च क्वथन वाले विलायक में, किसमें, ऐसा विलायक जिसका क्वथनांक उच्च है, उच्च मतलब जिसको आप कितने गर्म कर दो, कितने गर्म कर दो कभी भाप नहीं बनने वाला। तेल के क्वथनांक उच्च होता है, पानी और तेल मिक्स करके डालना, पानी उड़ जाएगा, लेकिन तेल उड़ता है क्या, नहीं, जब तक पानी नहीं उड़ेगा चार चार की आवाज आती रहती है कुकर में, कढ़ाई में, है ना कि नहीं। तो वैसे उच्च क्वथन वाला विलयन जैसे तेल, तेल का क्वथनांक बहुत उच्च होता है ना, उच्च क्वथन वाले विलायक में बनाया जाता है। आपने कुछ नहीं करे, आपने लिए आयोडीन, और आयोडीन की क्रिया किससे करवाए, एने मतलब सोडियम, बी आने बोरो, एच फोर मतलब हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड से करवाए, काय में करवाए, उच्च क्वथन वाले विलायक में करवाए, काय में करवाए, उच्च क्वथन वाले विलायक में करवाए। तो क्या बना आपका, डाई बोरेन बन गया, B2S6 बन गया, डाई बोरेन बन गया, बन गया। कैसे बना, 2NaBH4 प्लस I2, बोरान कितने है, दो है, ये हो गया आपका B2, दो बोरान हो गए। हाइड्रोजन कितने है, चार दुनी आठ है, तो आठ हाइड्रोजन में छह हाइड्रोजन आपके जी आ गए, दो हाइड्रोजन बचे, ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। सोडियम कितने है, दो है, आयोडीन भी कितने है, दो है, तो दो सोडियम और दो क्या हो गए आपके, आयोडीन हो गए, क्लियर, NaI, क्लियर। अगला है आपका बोरान क्लोराइड द्वारा, किसके द्वारा, बोरान क्लोराइड द्वारा, BCl3, बी से बोरान और सीएल से क्लोराइड, बोरान क्लोराइड द्वारा डाई बोरेन बनाने की दूसरी विधि, क्या बोला मैंने, डाई बोरेन बनाने की दूसरी विधि। डाई बोरेन बनाने के लिए आप कुछ मत करो, आप क्या करो, बोरान क्लोराइड की क्रिया, बी आने बोरान और सीएल आने क्लोराइड, बोरान क्लोराइड की क्रिया लिथियम, Li मतलब लिथियम, Al मतलब एल्यूमिनियम, H4 मतलब हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करवा दो। ये हो गया आपका बोरान क्लोराइड, BCl3 क्या हो गया आपका, बोरान क्लोराइड, अरे बोरान
क्लोराइड, अरे बोरान क्लोराइड की क्रिया, BCl बोरान क्लोराइड की क्रिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करवा दो। बोरान क्लोराइड की क्रिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करवा दो तो डाई बोरेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डाई बोरेन बन जाएगा। बन गया डाई बोरेन, तो काय में अपचयित हो जाता है, डाई बोरेन में अपचयित कर देता है। BCl3 बोरान क्लोराइड हो गया, कितने बोरान क्लोराइड के, बोरान क्लोराइड के चार अणु। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 इसके तीन अणु है ना, क्रिया करवाया अपन ने, क्यों बना डाई बोरेन। बोरान यहां पर कितने हैं, चार है, यहां बोरान कितने होगा, दो दूनी चार होगा, कितने हो गए चार हो गए। यहां हाइड्रोजन कितने हैं, चार तिया बारह है, यहां हाइड्रोजन कितने होगा, छह दूनी बारह हो गए। यहां पर एल्यूमिनियम कितने हैं, तीन है, यहां एल्यूमिनियम कितने हो गए, तीन हो गए। यहां क्लोरीन कितने हैं, चार तिया बारह है, यहां क्लोरीन कितने हो गए, तीन तिया नौ, बारह में से नौ क्लोरीन ये हो गए, तीन क्लोरीन बचे, ये तीन क्लोरीन आपके ये आ गए। यहां लिथियम तीन है, यहां लिथियम कितने हो गए, तीन हो गए। बोरान क्लोराइड के द्वारा डाई बोरेन बनाया जाता है। पेपर में हम लोग को आया था क्वेश्चन, जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग क्वेश्चन आया था कि डाई बोरेन बनाने की विधियां लिखो, है ना, चार नंबर में आया था, मैंने लिख के भी आया था, नंबर भी लिखे। अगला डाई बोरेन देखो, औद्योगिक रूप में, औद्योगिक मतलब कि आपको बिल्कुल एक फैक्ट्री खोलना है, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल से टांका भर भर के आपको डाई बोरेन बनाना है, तो औद्योगिक रूप में डाई बोरेन प्राप्त करने के लिए बोरान फ्लोराइड BF3 जो होता है इसको बोलते हैं अपन बोरान फ्लोराइड। BF3 क्या होता है आपका, बोरान फ्लोराइड। BC हो गया आपका बोरान और FC हो गया आपका फ्लोराइड। इसको बोरान तीन को पढ़ते ट्राई बोरान ट्राई फ्लोराइड भी पढ़ा जाता है। जब बोरान फ्लोराइड की क्रिया, किसकी क्रिया, बोरान फ्लोराइड की क्रिया किससे करवाई जाती है, Na मतलब सोडियम, H मतलब हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड से करवाई जाती है। बोरान फ्लोराइड की क्रिया किससे करवाई जाती है, सोडियम हाइड्राइड से करवाई जाती है। किससे करवाई जाती है, Na मतलब सोडियम, H मतलब हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड से करवाई जाती है, तो डाई बोरेन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, डाई बोरेन प्राप्त होता है। B2 ये हो गया आपका B2 और हाइड्रोजन कितने यहां पर छह है, B2H6 B2H6 डाई बोरेन प्राप्त हो गया। Na कितने हैं, छह है, सोडियम कितने हैं, छह है, और फ्लोरीन कितने हैं, तीन दूनी छह, फ्लोरीन कितने यहां पर छह है ना, ये डाई बोरेन प्राप्त होता